इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन माइल एट अ टाइम। सभी लोग सोच रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कहाँ हूँ, तो मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियोस ऑन माय चैनल। तो काम फिलहाल ख़त्म हो गया है एंड नाउ फाइनली आई कैन फोकस बैक ऑन द चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो मैं सर्प दंश पे बनाना चाहता हूँ, जी हाँ, स्नेक बाइट। तो अभी पिछले हफ्ते में एक इंटरनेट पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था स्नेक बाइट्स के ऊपर एंड काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। उसमें से एक दो चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी। खैर, इसमें आर्टिकल लिखने वाली कोई गलती नहीं थी, ही वॉज स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड उनका भी बहुत वैलिड पॉइंट था जिसके ऊपर आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर हर साल 50,000 लोगों की सर्प दंश यानी सांपों के काटने से मौत होती है एंड मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो इसमें से 70% जो लोग होते हैं वो मेल्स होते हैं, जी हाँ, वो पुरुष होते हैं, जिनकी जो एज होती है वो लगभग 20 से 50 साल के बीच की होती है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं या तो वो जंगल के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो रही होती है तो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे सांप उन्हें काटते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि एंटी वेनम, जी हाँ, सांपों से बचने के लिए, सांपों के जहर से बचने के लिए एंटी वेनम जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है वो अक्सर लोगों को गाँवों में नहीं मिल पाता है। एंटी वेनम के बजाय लोग अभी भी गाँवों के अंदर झाड़ फूक, ओझा गुनी, तांत्रिक बाबा, इन सब लोगों के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, जो उन्हें बोलते हैं कि आप हमें 500 रुपये दीजिए, आप हमें 1,000 रुपये दीजिए और हम जो हैं आपका आपको आपके आपके बॉडी से जो सांप का जहर है उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे और एकदम आप स्वस्थ हो जाएंगे, जो कि एकदम बेकार की चीज़ है, मनगढ़ंत है, इस पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज का जो ब्लॉग है वो कम्प्लीटली इट्स गोइंग टू बी फॉर एजुकेशनल पर्पस। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने टाइप के वेनमस स्नेक्स हैं, द मोस्ट वेनमस स्नेक्स ऑफ इंडिया। दूसरा हम बात करेंगे कि वेनम कितने तरीके होता है, टाइप्स ऑफ वेनम, जी हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंटी वेनम कितने तरीके होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटी वेनम इज अवेलेबल इन इंडिया। एंड फाइनली लास्ट में हम ये जानेंगे कि एंटी वेनम प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी कंट्री के अंदर। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द फोर मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे खतरनाक सांप है, वैसे तो इंडिया के अंदर 300 सांप की स्पीशीज होती है जिनमें से कम 7 या 8 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि इंसान को मारने की क्षमता रखती हैं। तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करेंगे, पहले शुरुआत करना चाहेंगे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से, उसके बाद हम बात करेंगे द कॉमन क्रेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे रसल्स वाइपर के बारे में, फिर हम बात करेंगे सॉ स्केल्ड वाइपर के बारे में और अंत में हम बात करेंगे किंग कोबरा के बारे में, जी हाँ। चलिए, तो बात करेंगे सबसे पहले हम स्पेक्टिकल कोबरा की, यस, जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। तो ये जो सांप है ये आपको हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आपको इन सब जगहों में मिलेगा। ये सांप जो है जनरली अपने आप को रैट होल्स और टर्माइट माउंट्स यानी कि जो चूहों का बिल होता है और जो दीमक के जो घर होते हैं आपने जंगलों में देखे होंगे, जनरली ये अपने आप को वहाँ पे रखना पसंद करते हैं। इसको स्पेक्टिकल कोबरा सबसे पहले तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसके पीछे, इसके जो इसका जो हुड होता है, उसके पीछे यहाँ एक चश्मे के जैसा आकार होता है, जी हाँ, एक चश्मे के जैसा मार्क होता है। तो उस मार्क को देख के इसका नाम रखा गया स्पेक्टिकल कोबरा। और जब ये घबरा जाता है या ये डर जाता है, जब ये सामने किसी इंसान को देखता है या किसी चीज़ से उसको थ्रेट महसूस होता है, तो ये अपने हुड को ऐसा खड़ा कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि कोबराज जो होते हैं वो आपको काटते हैं लेकिन वो जहर इंजेक्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फेक बाइट या उसको हम मॉक बाइट भी बोल सकते हैं। वो फेक बाइट करेगा, वो आपको टच कर देगा लेकिन वो जहर इंजेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत कम केसेस में होता है लेकिन ज़्यादा जहाँ पे वो अपने आप को थ्रेटन फील करता है कोबरा, वहाँ पे वो बाइट कर ही देता है। अगर हम इनके वेनम की बात करते हैं, जी हाँ, इनका जो वेनम है ये है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जी हाँ। तो वेनम भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं न्यूरोटॉक्सिक वेनम से। तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम का बेसिकली काम क्या होता है कि जब आपको एक सांप जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जब वो आपको काटता है, तो उसका मेन काम जो होता है सबसे पहले जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपकी ब्रेन है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करना।
जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट होता है, सबसे पहले जो है वो आपके न्यूरॉन्स को ब्लॉक करता है। जी हाँ, जो आपके मसल रिसेप्टर्स तक जाता है, जो न्यूरॉन्स जो है, जो जिसका काम है कि सिग्नल हमारी ब्रेन तक पहुँचाना, सबसे पहले जो है वो उस चीज़ को ब्लॉक करता है। दूसरा जो है उसके बाद आपका जो है ये मसल पैरालिसिस, जी हाँ, आपके जो मसल्स होते हैं उन्हें पैरालाइज करता है। तीसरा जो है इसका काम है उसके बाद ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपके जो लंग्स हैं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होगी, और एंड में जो है ये आपकी बॉडी को कंप्लीट पैरालिसिस मोड में ले जाता है कि आप देखेंगे कि काटने के लगभग 8 घंटे के बाद में आप एकदम पैरालिसिस मोड में आ चुके हैं। एंड अगर आपकी गर्दन भी ऐसे हो जाती है तो आप अपनी गर्दन को ऐसे लिफ्ट करके भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसका वेनम जो होता है इतना शक्तिशाली होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एकदम कम्प्लीटली आपकी ब्रेन से कट ऑफ हो चुके होते हैं, कोई मैसेज आपकी ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा होता है, आपके मसल्स जो होते हैं वो एकदम पैरालाइज हो जाते हैं, एंड यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम पे एंटी वेनम नहीं मिलता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अब हम इनके न्यूरोटॉक्सिक वेनम के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जो इनके सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर जिन जिन सांपों के बारे में आज मैं बात करूंगा, सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होता है कि अगर इनमें से कोई भी सांप अगर आपको काटेगा, आपको वॉमिटिंग होनी ही होनी है, वॉमिटिंग के साथ में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब सबसे पहले देखा जाता है कि बाइट हुई कहाँ है। माना जाता है कि अगर हार्ट से नज़दीक बाइट हुई है तो डेथ रेट का ज़्यादा चांस होता है, डेथ से ज़्यादा जल्दी होती है। और अगर पाँव पे काटा है तो थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा एडवांटेज टाइप सा मिल जाता है कि आपको कि थोड़ा ब्लड फ्लो जो है, जो वेनम फ्लो है आपके हार्ट तक पहुँचे, आपके ब्रेन तक पहुँचे, वो थोड़ा टाइम लगाता है पहुँचने में, तो उतने टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपको एंटी वेनम मिल जाए और आपकी जान बच सके और ज़्यादा डैमेज ना हो। लेकिन उसके लिए भी आपको तुरंत हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचें कि चलो यार ऊपर तक ब्लड पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता तो हम रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आंटी। नहीं, कभी भी कोई भी सांप आपको काटे आप तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलिए। जी हाँ, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, वैसा ही है। तो बेसिकली जब आपको एक कोबरा काटेगा जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, सबसे पहले आपको वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग के बाद में जो है आपको आपके मुंह का टेस्ट चेंज होएगा, आपके लिप्स का कलर चेंज होने लग जाएगा, जिस स्पॉट पे आपको काटा है आपको वहाँ पे स्वेलिंग होएगी, आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन सा फील होएगा, उसके बाद में धीरे 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 आपको नौशिया होगा, आपकी आंखें जो हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप फेंट हो रहे हैं, उसके बाद में और थोड़े टाइम बाद में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, एंड इवेंचुअली आप एकदम एक कोमा जैसी या पैरालाइज स्थिति में आ जाएंगे, जहाँ पे आप एकदम हेल्पलेस हो जाएंगे, एंड आप सबसे ज़्यादा सांस के लिए गैप्स करेंगे। एंड इवेंचुअली होता क्या है इनके अंदर कि जब अगर आपको एंटी वेनम नहीं मिल पाता है तो इंसान की मौत जो है वो 10 से 18 घंटे के बीच में इस वेनम से हो जाती है। जी हाँ, एंड आउट ऑफ द बिग फोर हम बोलेंगे कोबरा, यस कोबरा है एक सांप जिसके हाथों काफ़ी डेथ्स हुई हैं। एंड तो ये था इंडियन कोबरा, जिसे हम स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं। अब हम दूसरे सांप पे आते हैं, द कॉमन ग्रेथ। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द कॉमन ग्रेथ जो है ये इंडियन कोबरा से एकदम अलग है। आप इसका कलर पैटर्न अगर देखेंगे तो ये ब्लैक एंड ब्लूइश होता है, और इसकी बॉडी के ऊपर कम से कम 40 थिन क्रॉस बार्स होती हैं वाइट रंग की, अगर आप देख सकते हैं तो। जी हाँ, वाइट रंग की क्रॉस बार्स होती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे द कॉमन ग्रेथ की। तो कॉमन ग्रेथ जो है वो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब जगहों पे पाया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो अच्छी सिंध रीजन से लेके वेस्ट बंगाल तक की अच्छी है। आपको ये नीचे साउथ के एरियाज में भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद में आपको झारखंड, उड़ीसा, ऐसे ऐसे राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसके वेनम की बात करते हैं, इसका वेनम जो है आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इसका वेनम जो है वो कहीं ज़्यादा टॉक्सिक है हमारे स्पेक्टिकल कोबरा से। जी हाँ, इसके अंदर भी जो वेनम पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। जी हाँ, न्यूरोटॉक्सिक वेनम। अब इस अगर अगर अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो वेनम है वो स्पेक्टिकल कोबरा से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि
और अगर देखा जाए तो स्पेक्टेटल कोबरा के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम है और जो तो इंडियन कॉमन क्रे थे उसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, तो दोनों के पास अगर सेम वेनम है तो ये सांप द इंडियन क्रे क्यों इतना जहरीला है स्पेक्टेटल कोबरा से। सो बेसिकली क्या है कि जो कॉमन क्रे थे इसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है इसके अंदर दो अलग स्पेशल कॉम्पोनेंट्स हैं। जी हाँ, वो दो कॉम्पोनेंट जो है वो आपको कोबरा के जहर के अंदर नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ कॉमन क्रेट के जहर के अंदर मिलेंगे। जी हाँ, ये न्यूरोटॉक्सिन्स के ही दो स्पेशल कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। एक जो होता है, एक जो पहला वाला है उसका नाम है प्री सिनैप्टिक और दूसरे का नाम है पोस्ट सिनैप्टिक। जी हाँ, ये दो डिफरेंट न्यूरोटॉक्सिन कॉम्पोनेंट्स हैं जो सिर्फ कॉमन क्रेट के अंदर पाए जाते हैं, जो कॉमन क्रेट स्नेक के वेनम को कई ज़्यादा मात्रा में कोबरा से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, इन दो कॉम्पोनेंट्स की वजह से। तो कॉमन क्रेत के काटने से क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे ही कॉमन क्रेत आपको काटता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है वो सबसे पहले आपका सेम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको टारगेट करता है। उसके बाद जो आपके न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक, वो पूरा उसको टारगेट करता है, पूरा ब्लॉक कर देता है। उसके बाद में अगेन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स होएगा और उसके साथ में उसके बाद में एंड में आपको आपकी बॉडी जो है पैरालिसिस मोड में आ जाएगी। यहाँ पे जो डेथ है क्रेत के काटने से, आप मानेंगे नहीं दोस्तों, 4 से 6 घंटे के बीच में इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ, इसका वेनम इतना पावरफुल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक नाम के दो न्यूरोटॉक्सिन कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका जहर जो है वो ज़्यादा लीथल होता है कोबरा के जहर से। अब ये स्नेक जो है नॉक्टर्नल स्नेक है, एकदम रात को ही ये सांप जो है ज़्यादातर बाहर निकलता है, और ये जब आपको काटेगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको किसी चीज़ ने काटा है। इसकी बाइट जो होती है ऐसे लगता है कि आपको किसी एंट, मतलब या आपको किसी चींटी या तो आपको किसी मच्छर ने काटा, आपको ऐसा लगेगा। एकदम हल्की सी पिक वाली बाइट होती है, और इसके जो फैंग्स होते हैं ये भी बहुत छोटे होते हैं, इसके दांत बहुत छोटे होते हैं। वो आपको प्रिक करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी चीज़ ने काटा है। बहुत केसेस में देखा गया कि लोगों की सोते सोते मौत हो गई है, और इसका तो इलाज यही होता है कि सबसे पहले इसका मेन जो होता है कि आप सांस नहीं ले पाओगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको बहुत मेजर होगी, वॉमिटिंग आपको आएगी, एंड अगर आपको 4 से 6 घंटे के बीच में एंटीवेनम नहीं मिला है तो आप इंसान की आराम से मौत हो सकती है। जी हाँ, ये सबसे खतरनाक सांप है। अब अगर हम देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर इसका मोर्टालिटी रेट अगर हम देखें इसके क्रेत के हाथों से इंसानों की कितनी डेथ्स हो चुकी है इंडिया के अंदर, कहते हैं 70% का रेट है, मोर्टालिटी रेट है इस सांप का, बहुत हाई है। 100% में से 70% अगर हम कह रहे हैं कॉमन क्रेत की वजह से डेथ्स होती हैं, तो डिजास्टर बी द मोस्ट वेनम स्नेक ऑफ इंडिया। जी हाँ, अब इसका क्या होता है ना कि ये भी बहुत शाय किस्म का एक स्नेक होता है, ये जनरली कुंडली मार के बैठ जाता है और अपना सर भी जो है अपने कॉयल से नीचे रख लेता है, दिखाता नहीं है अपने आप को, शर्माता है बहुत। कॉमन क्रेत के सिम्टम्स के बारे में अगर हमने बात करी तो इसमें एक और सिम्टम है जो कि बहुत अलग है इन दोनों से, वो ये है कि जब ये आपको काटेगा ना तो आपको जो मैंने सिम्टम बताया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, न्यूरॉन्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ब्लॉक हो जाता है, उनके अलावा आपको पेट में जबरदस्त क्रैम्प्स आएंगे। जी हाँ, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत आएंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आपका पेट किसी ने जकड़ लिया पूरी तरीके से अंदर। जी हाँ, तो ये था कॉमन क्रेत। अब हम आते हैं अपने तीसरे सांप पे, द रसल्स वाइपर। अब ये सांप को मैं के बारे में क्या बोलूँ, इस सांप को एक्चुअली में लोगों ने नाम दिया हुआ है, मतलब लोग कहते हैं कि ये साक्षात मौत है, मौत। जी हाँ, लोग इसको देखते हैं, और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है ना कि जब लोग इसको देखते हैं, तो ये सांप को जब वो कहीं देखते हैं कि वो पड़ा हुआ है, वो सबसे पहले ये सोचते हैं यार ये अजगर है या ये अजगर का बच्चा है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोग करते हैं, इसको गलत सांप सोच लेते हैं, इसको अजगर सोच लेते हैं, और उसको उठाने की कोशिश में ही वो सांप उनको काट लेता है। रसल वाइपर जो है वो ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहता है। अगर आप कभी रसल वाइपर देखे तो आप इसका स्किन पैटर्न देखिए अच्छे से, इसका स्किन पैटर्न आप देखेंगे तो इसके पास लाइट ब्राउन स्किन है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसके ऊपर सर्कल स्पॉट्स बने हुए हैं, जो इनके स्पॉट्स की जो आउटलाइन है वो पूरी ब्लैक है, और अंदर जो है आपको लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर दिखेगा।
एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको ये लगता है, अगर आपको सांपों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप कभी इस सांप को देखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये अजगर सांप है, बिल्कुल भी नहीं, आप इसमें एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब आप इसके पास जाएंगे तो इसको खतरा महसूस जब होगा तो ये कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालता है, तो उससे आप पहचान जाइए कि ये अजगर नहीं है, क्योंकि अजगर कभी भी ऐसी आवाज नहीं निकालता है। जी हाँ, और ये इतना खतरनाक सांप है कि आप जैसे इसके पास जाएंगे ये एकदम से स्ट्राइक करता है। जी हाँ, एकदम से काट लेगा आपको, क्योंकि माना जाता है और देखा भी है हमने काफी बार, इस सांप के अंदर क्या है, ये सांप एक ऐसी क्षमता रखता है कि उड़ के काट लेता है आपको। जी हाँ, एकदम से ऐसे काट लेगा आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब झपकते ही काट लेगा आपको। अब अगर हम बात करते हैं इसकी वेनम की, तो इसके अंदर जो वेनम पाया जाता है वो होता है हीमोटॉक्सिक वेनम। जी हाँ, अब हीमोटॉक्सिक वेनम के बारे में हम बात करते हैं, इसका बेसिकली काम क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप के वेनम होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा आ गया हीमोटॉक्सिक। जी हाँ, हीमोटॉक्सिक जो होता है इसका हमारे ब्लड से रिलेशन होता है। जी हाँ, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडीज के अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स और दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि वो हमारे खून को डबल करता है बॉडी के अंदर। जी हाँ, जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे उतना अच्छा ब्लड फ्लो होगा आपकी बॉडी के अंदर। एंड रेड ब्लड सेल्स का काम है खून को हार्ट तक पहुंचाना थ्रू ब्लड वेसल्स। तो जब ये सांप आपको काटता है, जब एक रसल्स वाइपर आपको काटता है, सबसे पहले वो वेनम इतनी तेजी से आपके खून के अंदर घुल जाता है। और अक्सर अगर आप देखेंगे, आप YouTube पे बहुत से वीडियोज आप कभी देखिए कि साइंटिस्ट लोगों ने इंसान का खून निकाला हुआ है और उसको स्नेक वेनम से मैच करा हुआ है, रसल वाइपर के वेनम से मैच करा हुआ है। कह सकते हैं कि ह्यूमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों वेनम्स का के साथ मैच करके देखा है कि वेनम का इंसान के खून के ऊपर क्या असर होता है। मैंने ये अभी कुछ दिन पहले देखा था, वैसे तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो इस सांप के वेनम की एक छोटी सी बूंद भी जब इंसान के खून के अंदर घुलती है तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, आप कभी देखिए, इतनी सी छोटी सी बूंद भी जो है वो इंसान के खून को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। जी हाँ, ये वेनम इतना पावरफुल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये सबसे पहले हमारे आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करता है, पूरी तरीके से डैमेज करता है। वो रेड ब्लड सेल्स को ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो चोक हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं एक तरीके से, और उसी की वजह से, चोक होने की वजह से जो खून है वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले होता है कि आपको वॉमिटिंग आएगी, जहाँ पे काटा है वहाँ पे स्वेलिंग होगी, उसके बाद में यहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। लेकिन इसमें इस वेनम की जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि ये वेनम जो है एक तरीके से एक एसिड की तरह काम करता है। जी हाँ, रसल वाइपर का की बाइट्स अगर आप देखेंगे, बहुत से वीडियोज हैं इंटरनेट के ऊपर, आप प्लीज उन्हें देखिए, वो जब बाइट करेगा जिस जगह पे वो काटेगा आपको वहां पे गैंग्रेन होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये इतना लीथल वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिन जो है ये आपको एक्सटर्नली तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो आपको अंदर मारेगा, लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस वेनम का काम क्या है कि जब आपको काटेगा और जहां पे काटेगा वहां पे ब्लिस्टर्स आपको होने लग जाएंगे। जी हाँ, फोड़े होने लग जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो गलने लग जाएगी। देखा ना कि कभी एसिड कभी गलती से किसी के हाथ पे या कहीं गिर जाता है तो एसिड जो आपकी स्किन को पूरा फाड़ देता है, आप अंदर की हड्डी तक दे सकते हैं। जी हाँ, ये वैसा ही काम करता है। गैंग्रीन का मतलब वही होता है कि मतलब पूरा आपकी स्किन को अच्छे से डैमेज कर देना और पूरा गला देता है, और आप देख सकते हैं अपने खुद की हड्डियां। और ऐसे ऐसे केसेस में हमने देखा है कि लोगों को जब एंटी वेनम नहीं मिला है, बहुत लेट मिला है, उनकी जिंदगी तो बच गई है लेकिन वो हिस्सा जहाँ पे उनको काटा गया वो पूरी तरीके से गल चुका है। इंसान खुद देख के एक बार ऊपर वाले से दुआ करता है कि भगवान मेरा ये अंग जो है मेरे से अलग कर दिया जाए, इसको काट के फेंक दिया जाए, क्योंकि मैं खुद इसको देखना नहीं चाहता हूँ। जी हाँ, और ये पूरे शरीर में फैलता है। अगर सपोजिंगली यहाँ पे आप रसल वाइपर ने काटा है तो आपको पूरा ये हाथ जो है ना गलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, पूरा यहाँ तक, और कैंसर जैसे फैलता है ना बॉडी के अंदर, ये वैसे ही फैलता है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, जैसे मैंने बोला सबसे पहले आपको वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग के बाद में जो है आपको यहाँ पे स्वेलिंग होगी, फिर आपको गैंग्रेन होने लगेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी स्किन जो है फट रही है।
पहले 20 मिनट में आप देखना शुरू करेंगे कि आपके गम्स, आपके जो दांत हैं, दांतों के बीच में से जो हमारे जो गम्स होते हैं वहां से खून निकलना शुरू होएगा। उसके बाद अगर आप यूरिन में अपना चेक करेंगे, अगर आप बाथरूम जाएंगे आप यूरिन करेंगे, यूरिन में आप ब्लड देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आगे क्या होएगा कि आपके आंखों से खून निकलेगा, जी हाँ नाक से खून निकलेगा। ये जहर जो है ये अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स से ब्लीडिंग करनी शुरू हो जाएगी, जी हाँ आपकी किडनीज डैमेज होएंगी, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होंगे। इवेंचुअली जब तक जब ब्लड जो है आपका हार्ट तक में फ्लो नहीं होएगा, एंड में जो है आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा और आप मर जाएंगे। जी हाँ, तो इस शाम का जो लेना देना है ब्लड से लेना देना है, हमारे खून से लेना देना है। एंड जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस शाम के बारे में, प्लीज़ इसको भूल के भी अजगर मत समझिएगा, इससे बिल्कुल भी मत छेड़छाड़ कीजिएगा। अगर आप देखते हैं शाम को, आप प्लीज़ अपने नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन कीजिए, या कोई स्नेक सेवर अगर आपके आजू बाजू में रहता है तो आप उसको बुलाइए, उसको नॉलेज होगी। और भूल से भी आप कभी भी इस शाम को उठाइएगा नहीं, इसको छेड़िएगा नहीं। मैंने बताया अगर आपको लगता है कि वो अजगर सांप है, आप थोड़ा सा उसको एक बड़ी लकड़ी से आप उसको एक बार ऐसे पैट कर लीजिए, आप पैट करेंगे तो वो एक कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालेगा, आप तब समझ जाएंगे कि ये रसस वाइपर है और ना ही ये कि अजगर का बच्चा है। तो ये था हमारा तीसरे नंबर पे द रसस वाइपर, और ये भी जो है ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल इन सब जगहों पे पाया जाता है। इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो ये झारखंड उड़ीसा उत्तराखंड इन सब जगहों पे अच्छी तादाद में मिलता है, तो साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी तादाद में ये सांप पाया जाता है। एंड मैं इस बारे में और भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि रसल वाइपर, ये जो वाइपर क्लैन जो होती है ये सारी की सारी एक तो हीमोटॉक्सिक होती है, एंड ये एक लौती क्लैन है जो कि लाइव बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, हमारे इंडिया के अंदर रसल्स वाइपर और सॉसकेट वाइपर तो ऐसे वाइपर की प्रजाति हैं जो लाइव बच्चों को जन्म देते हैं, जी हाँ वो अंडों को जन्म नहीं देते हैं। वाइपर का देखा गया कि एक टाइम पे 30 से 40 लाइव बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन कई एक दो जगहों पे नोट करा गया कि 70 से 80 बच्चे भी निकले हुए हैं। जी हाँ, तो ये सांप जो है ये अंडे नहीं देता है और ये जो है कम्प्लीटली लाइव बच्चों को जन्म देता है। इसका वेनम जो है वो हीमोटॉक्सिक है, मैंने बताया कि इसका वेनम कितना डेडली है, ये इंसानों के साथ में क्या कर सकता है। अगर 24 से 72 घंटों के बीच में एंटीवन मच्छी तादाद में नहीं मिला तो इंसान की मौत तो निश्चित है, लेकिन अगर एंटीवन मिल भी जाता है और लेट मिलता है तो मैंने बताया कि जो गैंग्रेन है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, जिस हिस्से में काटा है सांप ने आपको, और इवेंचुअली आपको वो पार्ट अपने जिस्म से काट के फेंकना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे चौथे सांप पे जिसका नाम है द सॉसकेट वाइपर। जी हाँ, ये पांचों सांपों में से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा होता है लेकिन डेडली भी होता है। जी हाँ, इसके साइज में मत जाइए, ये जो है ये सांप जो है बेसिकली ये काटने के लिए ही बना है। हमारे दो सांप है जो इंडिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि वो काटने के लिए ही बने, एक तो है द सॉसकेट वाइपर और दूसरा जो है वो है हमारा चेकर्ड कीलबैक स्नेक। जी हाँ, ये पानी का सांप होता है, दिस इज अ वाटर स्नेक, बट ये इंसान को दिखते ही काटता है। तो ये दोनों सांपों के बारे में बोल सकता हूँ कि ये दोनों सांप जो है ये बने ही हैं इंसानों को काटने के लिए। चलिए फिलहाल तो हम सॉसकेट वाइपर के बारे में बात करते हैं। तो सॉसकेट वाइपर जो है ये भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान में पाया जाता है। इंडिया में अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो है ये सांप आपको गुजरात राजस्थान ये जो ड्राई सेक्शन है यहाँ पे और साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये सांप जो होता है जनरली अपने को कैमोफ्लाज कर लेता है। जी हाँ, ये कैमोफ्लाज कर लेता है अपने आप को, और कभी कभी क्या होता है ना कि ये रेत के अंदर घुस जाता है। एंड बेसिकली ये जो सांप है ये लिजर्ड्स स्कॉर्पियंस सेंटिपीड्स इनके ऊपर फोकस करता है, इनको ज़्यादा वो खाता है और ये उसकी खुराक होती है। वेनम की बात करें तो इसका वेनम भी जो है वो हीमोटॉक्सिक वेनम है। हीमोटॉक्सिक वेनम के सिम्टम्स मैंने आपको बताया रसस वाइपर के जो थे वो सेम इसी के हैं। एंड ये बहुत छोटा सा सांप होता है, ये जब थ्रेटन फील करता है अपने आप को तो ये एक एस शेप में आ जाता है, एस शेप में फॉर्म हो जाता है और लाइटनिंग फीट में काटेगा। आप देखिए ये वीडियो में ये कैसे 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 काट, कितनी तेज इसकी स्ट्राइक होती है काटने की। ज्यादातर इसकी डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा नहीं है, मतलब 20% मोर्टालिटी रेट इसको कहते हैं इंडिया के अंदर, 20% इसके हिसाब से होती है डेथ होती है। देखिए ये मोर्टालिटी रेट्स और ये जो सर्वेज होते हैं कि कौन सा सांप सबसे ज्यादा जहरीला है, कौन सा सांप ने सबसे ज्यादा लोगों को काटा है, किसके काटे जाने से सबसे ज्यादा मौत हुई है,
तो ये सब सर्वेज अलग अलग होते हैं, ज्यादातर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन सा सांप है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ्स होती है इंडिया के अंदर। तो ये हमारा सौ स्किल्ड वाइपर था, एंड ये भी लाइव बच्चों को जन्म देता है, एंड ये अकेले पर रहना पसंद करता है। और अगर आप कभी इसको देखें छोटा सा सांप है, प्लीज इसको ये मत समझे कि ये छोटा सा सांप है तो ये काटेगा नहीं, ये जहरीला नहीं होगा, प्लीज गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सांप इसकी स्ट्राइक सबसे तेज होती है काटने की, पलक झपटने से भी तेज ये काटता है। आप जब तक पलक झपकेंगे और खोलेंगे उससे पहले ही काट लेगा। किंग कोबरा, किंग कोबरा को किंग क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले ये सांप जो है ये दूसरे सांपों को खाता है। जी हाँ, किंग कोबरा जो है वो दूसरे सांपों को खाता है। इसका सबसे फेवरेट फूड या इसके हम पसंदीदा खाने की बात करें तो होता है द इंडियन रैट स्नेक। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये किंग कोबरा को इंडियन रैट स्नेक सबसे ज्यादा पसंद आता है। एक तो वो लंबा भी होता है और इसकी भूख अच्छे से मिटाता है वो। अब हम बात करते हैं इसके वेन्यू की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किंग कोबरा जो है इट इज द लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड। जी हाँ, किंग कोबरा जो है ये इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पर पाया जाता है। और अगर आप इनके कलर को देखेंगे तो इसका कलर जो है बेसिकली इंडिया के अंदर जो देखा गया वो ब्लैक, एंड अगर सामने से आप देखेंगे तो यहाँ पे येलो येलो पैटर्न इसका होता है। आप मलेशियन किंग कोबरा देखेंगे उसकी बॉडी का कलर जो होता है एकदम लाइट ब्राउन होता है। आप थाईलैंड में देखेंगे तो उसका अलग होता है। ये सांपों के जो कलर जो होते हैं ना, ये अलग अलग एक ही स्पीशीज के अलग अलग कलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। जी हाँ, तो क्लाइमेट इनके कलर पे, इनके स्किन पे बहुत असर करता है। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान के अंदर आपको एकदम ब्लैक कोबरा देखेंगे, और फिर अगर आप नीचे साउथर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको ब्राउनिश डार्क ब्राउन कोबरा देखेंगे। तो ये सब क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से होता है। जी हाँ, किंग कोबरा के वेनम के बारे में अगर हम बात करते तो इसके अंदर जो है दो तरीके के वेनम्स पाए जाते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, जिसके बारे में बात करें, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक। जी हाँ, दो अलग अलग कंपाउंड्स है ये, न्यूरोटॉक्सिक एंड साइटोटॉक्सिक। किंग कोबरा जब एक बंदे को काटता है, इसका वेनम जो है वो सबसे लीथल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब काटता है तो वेनम बहुत ज्यादा मात्रा में डिलीवर करता है बॉडी के अंदर। कम से कम इसकी बाइट को रिकॉर्ड कराया कि 50 mg ऑफ वेनम द स्नेक इंजेक्ट्स इन टू इट्स प्रे जब वो काटता है। 50 mg बहुत बड़ा होता है, 1 mg भी फेटल है। और ये सांप जो है ये ज्यादातर अपनी प्रेजेंस जो है अपनी साइज के थ्रू दिखाता है। जी हाँ, इसके पास क्षमता है कि ये अपनी बॉडी को लिफ्ट करके कम से कम इंसान के सामने 3.5 फुट तक या 4 फुट तक ऐसे अपने अपने हुड को खड़ा करके रख सकता है। जी हाँ, गौर से देखिए किंग कोबरा कैसे खड़ा हो रहा है, अपने हुड को देखिए कैसे ऊपर लेके आया है। सांप जो है ये इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में रेन फॉरेस्ट सेक्शन में पाया जाता है। झारखंड में भी मिला है, झारखंड, उड़ीसा, लेकिन अगर इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम देखेंगे तो वो साउथर्न इंडिया के अंदर है। जी हाँ, साउथर्न इंडिया में काफी अच्छे मात्रा में ये पाया जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसका जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसका भी मेन काम सबसे पहले होता है कि जो आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पहले ब्लॉक करेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है आपके मैसेज पहुंचा नहीं पा रहे हैं ब्रेन को, जितना भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है वो सारे सेशन जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपको सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में बॉडी आपकी पैरालिसिस मोड में चली जाएगी। इवेंचुअली अगर आपको वेनम नहीं मिला तो 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में इंसान की मौत हो सकती है। जी हाँ, वो मौत इसलिए होती है, 24 घंटे से पहले भी हो सकती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्नेक, मैंने जैसे बोला, ये सबसे ज्यादा वेनम डिलीवर करता है अपनी प्रे के अंदर, ये सबसे ज्यादा वेनम इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर। जी हाँ, कम से कम एटलीस्ट 50 mg वेनम इंजेक्ट करेगा। तो इसलिए ये सांप से तो सब हम सबको पता है कि ये इतना बड़ा होता है, खुद ही जब सामने आता है तो लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। मैं फिर भी लोगों से बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे यंग स्नेक सेवर्स हैं, कि आप प्लीज़ जब भी स्नेक्स को हैंडल करें, चाहे वो किंग कोबरा हो या असल वाइपर हो या सौ स्किल वाइपर हो या एक स्पेक्टिकल कोबरा हो या कॉमन क्रेड हो, आप प्लीज़ स्नेक टोंग्स और स्नेक स्टिक का इस्तेमाल करें। जी हाँ, कोशिश कीजिए कि आप ग्लव्स पहने,
कोशिश कीजिए कि आप उन्हें अच्छे से किसी चॉकलेट के डिब्बे में ना बंद करें, बल्कि उन्हें अच्छे से एक बैग के अंदर रखें। पाइप्स का इस्तेमाल कीजिए, बड़ी पाइप्स का, उनको आराम से अंदर एक पैसेज मिल जाएगा जाने के लिए। और सबसे पहली चीज़ है कि रिस्पेक्ट, जानवरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्नेक्स को हम रिस्पेक्ट देंगे, वो तभी हमें रिस्पेक्ट देंगे। हम कोई हीरो नहीं बनना है लोगों के सामने, हमें लोगों की जान बचानी है। एक स्नेक सेवा का काम है लोगों की जान बचाना, एक स्नेक सेवा का काम है स्नेक को रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर रिलोकेट करना। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी जो हैं बिल्कुल सुरक्षितली स्नेक्स को हैंडल कीजिए। तो ये था द किंग कोबरा, द माइटी किंग कोबरा, द लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटी वेनम, जी हाँ, कितने तरीके के एंटी वेनम होते हैं। तो दो तरीके के एंटी वेनम होते हैं, एक होता है मोनोस्पेसिफिक और दूसरा होता है पॉलीस्पेसिफिक। मोनोस्पेसिफिक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए एंटी वेनम बनता है। जैसे कि आपके घर के आसपास जो है कोबराज ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, और उसी तादाद में आपको मोनोक्रिल्ड कोबराज भी मिल जाते हैं। जी हाँ, दोनों के अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, कुछ बहुत हद तक वो वेनम जो है वो सेम ही होता है। तो बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज, क्योंकि एक सब रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो उस स्पीसीज को लेके एक वेनम बनाते हैं, एंटी वेनम बनाते हैं, जिसका नाम जो होता है वो होता है मोनोस्पेसिफिक एंटी वेनम। जी हाँ, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनता है। पर इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि एक एरिया के अंदर सिर्फ एक ही सांप मिलेगा, आपको ये चारों के चारों या ये पांचों के पांचों सांप भी आराम से एक जगह पे मिल सकते हैं। वहां पे जो है वहां पे आपका काम आता है पॉलीस्पेसिफिक वेनम। तो पॉलीस्पेसिफिक वेनम जो होता है वो क्या होता है कि वो डिफरेंट सांपों के जरिए से बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो ये चार मेन डेडली स्नेक्स जो है किंग कोबरा को छोड़ के, इनको इन सबके वेनम्स को मिक्स करके वो वेनम बनता है। अब मैंने आपको बता दिया कि कितने तरीके के एंटी वेनम होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एंटी वेनम को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि पहले तो एक टेक्नीशियन जो है वो स्नेक को पकड़ेगा, कोई सी भी स्पीशीज हो, ब्रसल्स वाइपर हो या कॉमन क्रेट हो या स्पेक्टिकल कोबरा हो या सॉस्केट वाइपर हो। हमने देखा है इंटरनेट के ऊपर के वेनम एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, कप होता है और सांप उसको एकदम से आके बाइट करता है और अपना जहर उस कप के अंदर निकालता है। उसके बाद में वो टेक्नीशियन जो है वो उस वेनम को प्योरीफाई करता है, और प्योरीफाई करने के बाद में वो जो वेनम है उसको एक स्पेशल फार्म पे भेजा जाता है। जी हाँ, एक स्पेशल फार्म होता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, और उन घोड़ों के ऊपर ये एंटी वेनम का जो होता है ये टेस्ट होता है। तो बेसिकली होता है कि जब टेक्नीशियन ने वेनम को प्योरीफाई कर लिया, जब वेनम जो है वो फार्म पे पहुँचता है, तो जो फार्म के ऊपर जो टेक्नीशियन होता है वो एक बहुत छोटा सा डोज वेनम का, बहुत हार्मफुल सा डोज वो घोड़े के ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता है। जी हाँ, वो वेनम जो होता है वो घोड़े के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और वो इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज क्रिएट करता है घोड़े की बॉडी के अंदर। जी हाँ, ओवर द नेक्स्ट ईयर घोड़े की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने में और वेनम को डाला जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के वेनम्स होते हैं, उन सबको इंजेक्ट किया जाता है घोड़े के बॉडी के अंदर, एंड वो ब्लड में मिलते हैं, एंड अगेन उनका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, और उसके बाद में वो एंटीबॉडीज बहुत बड़े लेवल्स पे अब तो प्रोड्यूस करने लग जाता है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि उस ब्लड को वो जो एंटीबॉडीज होती है उन्हें घोड़े की ब्लड से मशीन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और जो बाकी का जो ब्लड बचता है उसको वापस घोड़े की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जी हाँ, इस जो ये प्लाज्मा जो होता है जो एक्सट्रैक्ट किया गया होता है, जो एंटीबॉडीज जो एक्सट्रैक्ट की होती है, इनको फिर जो रैंच का टेक्नीशियन होता है ये इन्हें भेजता है एक लैब के अंदर। जी हाँ, जहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे केमिस्ट है, ये उसको प्योरीफाई करते हैं दोबारा से। जी हाँ, उसको प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद में या तो उसको एक लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं या तो उसको फ्रीज ड्राइड पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं। जी हाँ, पाउडर फॉर्म में भी एंटी वेनम मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। उसको फिर पैकेज करके शिप किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स की फार्मेसीज में। जी हाँ, तो ऐसे हमारा ये एंटी वेनम बनता है। एंड इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एंटी वेनम है वो पहले मुंबई के अंदर प्रोड्यूस किया जाता था पहले, आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज के डेट में चेन्नई, जी हाँ, चेन्नई में प्रोड्यूस किया जाता है।
मैंने आपको आज, आई होप आपको आज हम लोग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है रिगार्डिंग द मोस्ट वेनमस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। मैंने बताया आपको कि वेनम कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एंटी वेनम एंड हाउ इज एंटी वेनम प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जाने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने जितने भी भाई हैं हमारे जो स्पेशली गाँव में रहते हैं, कि कभी भी आपको सरतंश हो, कभी भी आपको एग्जाम काटता है, प्लीज़ तुरंत अस्पताल जाइए, किसी भी चिकित्सालय जाइए। एंटी वेनम आपको सरकारी अस्पतालों में आराम से मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको मिलेगा। जहाँ पे भी हो आप प्लीज पहले पहुंचिए। भूल के भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भूल के भी किसी ओझा गुनी बाबा झाड़ फूक के चक्कर मत पड़िएगा। आपको अगर सांपों के जहर से कोई चीज बचा सकती है तो वो खुद सांपों के जहर से एक्सट्रैक्ट की हुई वो एंटीबॉडीज है जिसको हमने टर्न किया है एंटी वेनम के अंदर। सिर्फ वो इकलौती चीज है, सिर्फ एंटी वेनम ही इकलौती चीज है जो आपको सांपों के जहर से बचा सकती है और कोई चीज नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा, मैंने अच्छे तरीके से आपको सारे सांपों के बारे में बता दिया, उनका आकार कैसा होता है, उनके जहर, उनके अंदर किस टाइप का जहर मिलता है और जब वो काटते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको पहले क्या करना चाहिए। स्नेक एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए, अगर कोई स्नेक एक्सपर्ट आपके साथ में है तो वो, अगर आपको सांप का नाम भी नहीं पता तो वो बाइट मार्क देख के बता देगा कि कौन से सांप ने आपको काटा है। जी हाँ, क्योंकि जब सांप आपको काटता है तो सांपों के वो जो दो डॉट्स होते हैं काटने के, एक तो वो जो डॉट्स जो होते हैं उनका डायमीटर अलग अलग होता है। जी हाँ, उनके डॉट्स के बीच का गैप अलग अलग होता है। तो ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के स्नेक एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो बापीदा बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट है, मुबारक भाई बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट है, मुरली वाले हौसला वाले बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट है, आरिफ भाई बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो ये दिग्गज लोग जो है ये लोग फट से पहचान जाते हैं। तो इसी के साथ में आई होप दैट यू नो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो एंड मैं माफी चाहूंगा कि 2-3 हफ्तों से मैं कुछ अपलोड नहीं कर रहा था। Now I'm back and I'll be uploading back-to-back videos for all of you. इसी के साथ इजाजत देना चाहूंगा। Stay safe. Love you all. Thank you so much.